नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का भाग दो लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा के बारे में और स्थलमंडल, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत और वायुमंडल। दोस्तों, ये 6 पॉइंट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह है भूगोल का भाग दो। इसमें पहले नंबर का पॉइंट है ज्वार भाटा। दोस्तों, ज्वार का मतलब होता है नियमित उठना और भाटे का अर्थ होता है नियमित गिरना। ज्वार भाटा समुद्र के तल का नियमित उठना व गिरना होता है। सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा बनता है। इसका जो अंतराल होता है 12 घंटे 26 मिनट, दिन में 2 बार होता है। आगे दीर्घ ज्वार आता है, जिसमें जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी रेखा में होते हैं तब दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। इसके बाद महीने में 2 बार ये होता है, पूर्णिमा में और अमावस्या में। फिर आपका आ जाता है निम्न ज्वार। निम्न ज्वार दोस्तों, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोणीय स्थिति में होते हैं तब निम्न ज्वार की स्थिति उत्पन्न होती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ये बे ऑफ फंडी में आता है, ये इम्पोर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। कहाँ पर 24 घंटे में 4 बार ज्वार भाटा आता है? ये साउथ हैम्पटन में आता है, ठीक है। और इंग्लिश चैनल किसके बीच है, ये भी पता होना ज़रूरी है। फ्रांस और यूके के बीच में इंग्लिश चैनल है। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार की होती है, ठीक है दोस्तों, जिसमें ये जो भाग है इसे आंतरिक कोर कहते हैं और ये बाह्य कोर कहा जाता है। इसके बाद ये निचली प्रवाह और ये ऊपरी प्रवाह, और ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा है इसको भूपर्पटी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो एरिया है ये 5150 किलोमीटर तक होता है, जिसे NIEF बोलते हैं। और इसके बाद आपका ये जो एरिया होता है ये 2900 किलोमीटर तक का होता है। इसके बाद जो ये है, दोनों ये ऊपरी प्रवाह और निचली प्रवाह, ये 700 किलोमीटर का होता है, जिसे सीमा बोलते हैं। और ये जो है सबसे ऊपर वाला, इसे सेल बोलते हैं, ये 35 किलोमीटर का होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं भूपर्पटी के बारे में। दोस्तों, इसकी जो औसत गहराई होती है 35 किलोमीटर होती है। इसका जो औसत घनत्व होता है ये 3 gm/cc होता है। और मोहो असंबद्धता भूपर्पटी व प्रवाह के मध्य विभाजन चिन्ह को कहते हैं। इसके बाद प्रवाह आता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है। इसमें 83% ऑफ अर्थ का है वॉल्यूम और 68% ऑफ अर्थ का मास है। इसके बाद मेंटल आता है, यह पृथ्वी की ऊपरी सतह है, ठीक है। यह सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, इसे सीमा परत भी कहते हैं। इसके बाद आता है नीफे, निकिल और लोहे से बनी होती है। इसका जो बाहरी कोर होता है पिंगली हुई अवस्था में होता है, और जो आंतरिक कोर होता है ये सेमी लिक्विड और प्लास्टिक फॉर्म में होता है। इसके बाद आप घनत्व के बारे में देखेंगे। घनत्व जो होता है 13 से 14 gm/cc होता है। पृथ्वी का जो घनत्व है 5.5 है, ठीक है। ये डेंसिटी है, जिसमें सबसे बड़ा क्रस्ट, इसके बाद मेंटल और फिर कोर। भूपर्पटी में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। इसमें ऑक्सीजन है 46.8%, सिलिकॉन है 27.72%, फिर एल्युमिनियम है 8.10%, इसके बाद लोहा 5%, और जो संपूर्ण भूमि में पृथ्वी में लोहा होता है 35% होता है, और जो O2 होती है ये 30% होती है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है स्थलमंडल। स्थलमंडल में चट्टाने जो कि 3 प्रकार है, आग्नेय, अवसादी चट्टाने, कायंत्रित चट्टाने या रूपांतरित चट्टाने। तो आग्नेय चट्टाने देखते हैं, यह गर्म लावे के ठंडा होकर ठोस होने से निर्मित होती है। इसमें परतें नहीं पाई जाती, इसमें जीवाश्म नहीं होते, और 90% भूपर्पटी का आग्नेय चट्टाने है, ठीक है। यह
प्राथमिक चट्टाने होती है, ये भी आपको नोट कर लेना है। आगे देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल है जिसमें प्राथमिक चट्टानों में ग्रेनाइट और बेसाल्ट। आगे आपकी आती है अवसादी चट्टाने। अवसादी चट्टाने अपरदन और निषेचन से निर्मित होती है, इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें परतें भी पाई जाती हैं। ये जीवाश्म वाली बात आप नोट कर लीजिएगा। 95% भूपर्पटी का अवसादी चट्टाने हैं। एक ये इम्पोर्टेंट है, सभी प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों के लिए अवसादी चट्टाने जानी जाती है, जैसे लाइक कोल, नाइट्रोजन गैस, ऑयल, बलुआ पत्थर और बालूकाश्म, ये सभी अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके बाद आती है कायंत्रित चट्टाने, वे चट्टाने जिनका संगठन व स्वरूप दोनों बदल जाता है, कायंत्रित चट्टाने कहलाती हैं। एग्जाम्पल मार्बल, स्लेट, फिलाइट, गैब्रो। चट्टानों का रूपांतरण में बदलना, चट्टाने और रूपांतरण चट्टाने ये है, जैसे सेल, स्लेट और सिस्ट। फिर आता है सैंडस्टोन, जिसे क्वार्ट्जाइट कहा जाता है। इसके बाद आती है लाइमस्टोन, जो मार्बल बोलते हैं। फिर आता है कॉन्ग्लोमरेटेक, जिसे क्वार्ट्जाइट ही कहते हैं। इसके बाद ग्रेनाइट, जो कि जिनाइसिस से बनता है। इसके बाद आपका आ जाता है अगला पॉइंट, भूकंप। दोस्तों भूकंप की स्थिति कुछ इस प्रकार है, ये जो होता है भूकंप केंद्र होता है और ये जो होता है भूकंप मूल कहलाता है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भूकंप केंद्र और ये भूकंप मूल। भूकंप केंद्र के बारे में जानते हैं, पृथ्वी की सतह का वह स्थान जहां सबसे पहले झटके महसूस किए जाते हैं भूकंप केंद्र कहलाते हैं, और भूकंप मूल भूगर्भ में जिस बिंदु पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप मूल कहते हैं। भारत का दक्षिणी भाग सबसे ठोस माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। भूकंप जब आना होता है तो रेडॉन गैस बढ़ जाती है वायुमंडल के अंदर, तभी भूकंप की स्थिति उत्पन्न होती है। सिस्मोग्राफ, इसके द्वारा भूकंप की तरंगों को मापा जाता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। फिर आता है रिएक्टर स्केल, इसके द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। इस पर 0 से 9 तक अंक होते हैं, प्रत्येक एक अंक की वृद्धि 10 गुना तीव्रता को प्रदर्शित करती है। फिर आता है सहभूकंप रेखा, सामान्य भूकंप स्थान को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं। फिर इसके बाद आती है समभूकंप रेखा, समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा समभूकंप रेखा कहलाती है। इसके बाद आपका आता है भूकंप तरंगों के प्रकार, इनके बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था लेकिन अब थोड़ा डिटेल में है। इसमें 3 प्रकार की तरंगे होते हैं, PSL, P जो होती है प्राथमिक होती है, S द्वितीयक या गौण तरंगे, L धरातलीय तरंगे, इनके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। P यानी कि प्राथमिक, यह ठोस द्रव गैस तीनों में चल सकती है, सबसे तेज यही होती है, यह ध्वनि तरंगों की भांति चलती है, इसका जो औसत वेग है ये 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद आती है S, यह केवल ठोस में चलती है, यह प्रकाश तरंगों की भांति चलती है, इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, ये भी नोट कर लीजिएगा। इसकी औसत वेग 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखते हैं L, L तरंगों में पृथ्वी के धरातल में चलती है, इन्हें धरातलीय या लंबी तरंगे भी कहा जाता है। इन तरंगों की खोज HD लव ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनका अन्य नाम आर वेव भी होता है, जिसकी फुल फॉर्म रे लाइट वेव कहा जाता है। यह ठोस तरल गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है, यह पानी में भी चल सकती है, इसलिए सुनामी को जन्म देती है, ठीक है। इनकी गति सबसे कम होती है 1.5 से लेकर 3 किलोमीटर प्रति सेकंड तक, लेकिन सर्वाधिक विनाशकारी यही तरंगे होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। भूकंपीय प्रभावित क्षेत्र, परिप्रशांत पेटी या रिंग ऑफ फायर, जहाँ पे 63% है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट हिमालय एरिया, ठीक है, मिड अटलांटिक बेल्ट,
एस सेप एरिया, इस तरीके की सेप वाले में मिड अटलांटिक बेल्ट का भूकंप प्रभावित क्षेत्र है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, ज्वालामुखी। दोस्तों ज्वालामुखी कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें इसे ज्वालामुखी झील बोलते हैं और ये जो बाहर की है इसको क्रेटर बोलते हैं। ज्वालामुखी शंभू के ऊपर प्याली नुमा आकृति, यदि यह वर्षा के जल से भरी जाती है तो ज्वालामुखी झील के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ज्वालामुखी में निकलने वाली गैसों में 80 से 90 प्रतिशत भाग वाष्प, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होता है, ये भी ध्यान रखना है। आगे आपका आता है ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी के तीन प्रकार है, सक्रिय, सुसुप्त या परसुप्त और मृत ज्वालामुखी। पहले आती है सक्रिय ज्वालामुखी, इनकी संख्या लगभग 500 है। जिस ज्वालामुखी में लावा, गैस आदि निरंतर निकलते रहते हैं वो सक्रिय ज्वालामुखी कही जाती है। यह ज़्यादातर उद्गार होती रहती है। विश्व की सर्वोच्च सक्रिय ज्वालामुखी कोटोपेक्सी इक्वाडोर में है। कुछ सक्रिय ज्वालामुखी के एग्जाम्पल जो कि नीचे दिए गए हैं, ये है, ये एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। मौना लोहा हवाई द्वीप में है, एटना सिसिली द्वीप में है, और स्ट्रामबोली ये आपका लिपारी द्वीप में है। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार ये भारत में है। कोटोपेक्षी ये भी इम्पोर्टेंट है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ओजोनडेल सेलाडो ये चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। पीनाटूबो ये फिलीपींस में है। इसके बाद सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा हवाई आइलैंड पर मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके बाद आती है सुसुप्त ज्वालामुखी या परसुप्त ज्वालामुखी। ऐसा ज्वालामुखी जो लंबे समय से सक्रिय नहीं हुआ हो लेकिन भविष्य में विस्फोट की संभावना हो, उसे सुसुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। कुछ सुसुप्त ज्वालामुखी के एग्जाम्पल जैसे विसुवियस जो कि इटली में है, फ्यूजियाम जापान, और क्राकाटोआ इंडोनेशिया में, माउंट मेयोन जो कि फिलीपींस में है, ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद आती है मृत ज्वालामुखी, वो ज्वालामुखी जो हजारों वर्षों से सक्रिय नहीं हुई हो और भविष्य में भी सक्रिय ना होने की संभावना हो। इसके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि एंकागुआ जो कि अर्जेंटीना में पिली के बॉर्डर पर है, पोपा म्यांमार, ठीक है, देवबंद ईरान, और चिमब्राजो इक्वाडोर। फिर आपका नारकोडम भारत और किलिमंजारो जो कि अफ्रीका में है। एक बात और, एकाकागुआ यह सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, और फिर यह दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची है, यह भी आपको ध्यान रखना है, जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है, ठीक है। हिमालय में कोई ज्वालामुखी नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है पर्वत। पर्वत वलित पर्वत, अवरोधी पर्वत और अवशिष्ट पर्वत और पर्वत ज्वालामुखी। वलित पर्वत यह सबसे ऊंचे माने जाते हैं, और अवशिष्ट पर्वत ये कटछट के बने पर्वत है, जिसमें वलित पर्वत कुछ इस तरह के होते हैं, दो स्थानों के बीच में ऐसे, और ये जो अवरोधी होती है ये कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। वलित पर्वत भूपरपटी में वलन के परिणाम स्वरूप निर्मित, एग्जाम्पल हिमालय, आल्पस, यूरोप, रॉकी उत्तरी अमेरिका, ये पूछ ले जाते हैं, जैसे रॉकी पर्वत कहाँ है उत्तरी अमेरिका में, एंडीज दक्षिण अमेरिका में, यूराल रूस में, एटलस ये सबसे फेमस है, एटलस ये मोरक्को अमेरिका में है। फिर आता है अवरोधी पर्वत, भूपरपटी में तनाव अथवा दबाव अक्सर भ्रंश उत्पन्न करता है, जब भ्रंश बनता है तब जमीन के अंदर की ओर धस जाती है और भ्रंश के सहारे ऊपर की ओर उठते हैं तो अवरोधी पर्वत बनते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है शियरा जो कि निवादा यूएसए में है, ये विश्व का सर्वाधिक विस्तृत और अवरोधी पर्वत है। फिर आता है आपका वोसजेंस जो कि फ्रांस में है, काले पर्वत जर्मनी में है, ये फेमस है, सतपुड़ा नीलगिरी ये भारत में है, साल्ट रेंज जो कि पाकिस्तान में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं ज्वालामुखी पर्वत,
ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकलने वाले पदार्थ से निर्मित होते हैं। अनेक ज्वालामुखी पर्वत महासागरों में भी स्थित है, जिनमें से कुछ चोटियाँ आपकी द्वीप के रूप में दिखाई देती है, जैसे अल्यूशियन द्वीप, एसोर्ज द्वीप, हवाई द्वीप या रीयूनियन द्वीप। फिर आता है अवशिष्ट पर्वत। उपरोक्त तीनों प्रकार के पर्वत से अवशिष्ट पर्वत का निर्माण होता है। इसके एग्जाम्पल है यूराल स्कॉटलैंड, पेनाइस श्रेणी और अल्पेशियन श्रेणी और अरावली, ये सभी अवशिष्ट पर्वत हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है वायुमंडल। ये आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। वायुमंडल में अनेक गैसों का मिश्रण होता है। ये गैस निम्नलिखित है, जैसे नाइट्रोजन 78.8%, सबसे ज़्यादा यही है, ऑक्सीजन 20.24%, इसके बाद ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, जो कि सबसे कम है। ठीक है, तो वायुमंडल के बारे में कुछ और जानकारी देखते हैं। वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को क्या कहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है वायु विज्ञान। निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान। वायुमंडल की संरचना, दोस्तों इसमें सबसे पहले अक्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल, फिर मध्यमंडल, फिर आयन और फिर बहिर्मंडल, जो कि मुख्यतः 5 है। तो इनके बारे में जानते हैं। अक्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे नज़दीकी है, सभी मौसमी हवाएं यहीं पर होती हैं। प्रत्येक 165 मीटर ऊंचाई के साथ 1 डिग्री तापमान कम होता है, इसे सामान्य पतन दर कहते हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल। 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान लगभग स्थिर रहता है, उसके बाद वृद्धि होने लगती है। ओजोन गैस के कारण वृद्धि होती है, ये भी ध्यान रखना है। फिर आता है ओजोन मंडल, 15 से 35 किलोमीटर के बीच पाया जाता है, समताप मंडल के निचले भाग में होता है। ठीक है, वायुमंडल की परतों को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी है, जो कि है छोड़ सबको मैं आया बाहर। छोड़ इसे आप अक्षोभ मंडल समझ लो, और सबको से समताप, मैं से मध्य, आया से आयन और बाहर से बहिर्मंडल, ये याद कर सकते हैं ये। इसके बाद आता है मध्यमंडल। ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, सबसे कम तापमान इसके ऊपरी भाग पर होता है 80 डिग्री माइनस। आयन मंडल, यहाँ पर विद्युत अवशेषित कण होते हैं जो रेडियो तरंगों को पृथ्वी पर पुनः वापस कर देते हैं, जिसके कारण हम उन्हें सुन पाते हैं। उत्तरी ध्रुव प्रकाश और दक्षिणी ध्रुव प्रकाश, यह एक प्रकाश है जो इन दो के रूप में दिखाई देता है। इसके बाद सबसे लास्ट का आता है बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत होती है, चुंबकीय सीमा पृथ्वी व बाह्य अंतरिक्ष के मध्य अंतरिम सीमा होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट आपके इस वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। बाकी वीडियो में बस इतना ही है, आगे हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें लगभग 5-6 वीडियो में पूरी ज्योग्राफी ख़त्म कर दी जाएगी। तो दोस्तों हमारे चैनल सेल्फ स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हम आपको इसी तरह की नई अपडेट और वीडियो उपलब्ध कराते रहें। धन्यवाद।